तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि आपको मिलेंगे आपके सैमसंग के मैसेज ऐप में, जो कि अब रिप्लेस होके हो गया है गूगल मैसेज ऐप। अब जितने भी सैमसंग गैलेक्सी नए मोबाइल्स आ रहे हैं या फिर जो भी नया लेटेस्ट अपडेट करेंगे, तो हो सकता है आपका जो मैसेज ऐप है ना वो आपका मैसेज ऐप रिप्लेस हो जाए गूगल मैसेज ऐप से। जैसा कि मैंने अभी S24 परचेज किया था, उसके अंदर वहां पर गूगल मैसेज ऐप दे दिया गया और जिसके अंदर बहुत कमाल कमाल के फीचर्स हैं, इसको आप यूज करके अपने मैसेज एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार, बहुत ही यूजफुल बना सकते हैं। क्या ये फीचर्स हैं, कैसे यूज करेंगे और कहाँ ये मिलेंगे, सब चीजें आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों अब मैं आप जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ गूगल मैसेज के बारे में, जो कि अब सैमसंग मैसेज के अंदर मर्ज हो गया, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग मैसेज अब हटा दिया गया है। अब हर जो भी लेटेस्ट मोबाइल आएगा सब में आपको गूगल मैसेज का ही सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि आप देखेंगे ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है और इसमें मेरे को गूगल मैसेज ही दिया है और उसमें आपका सैमसंग का मैसेज का ऐप नहीं दिया गया। अब इसके अंदर कमाल कमाल के फीचर्स इसके अंदर भी है और बहुत बहुत यूजेस आप कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर आपको जिम्मी का सपोर्ट दे दिया गया है। आप हे जिम्मी बोल के किसी को भी मैसेज करना हो या कुछ भी करना हो, ड्राफ्ट का मैसेज, डिनर आइडिया, कन्वर्सेशन स्टार्टर, जो भी चीज आपको लिखना हो वो आप बता सकते हैं। वो उस हिसाब से आपको, जैसे मैंने लिखा ड्राफ्ट का मैसेज, तो वो आपको उस हिसाब से वहां पर सजेस्ट करता जाएगा कि कैसे कैसे आप इसका वर्कआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको भी मैसेज भेजना है, क्रिएट ग्रुप करना है, आप यहाँ पर प्लान बना के भी मैसेज को यहाँ पर सेट आउट कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर नॉर्मल ऐसे नॉर्मल जो मैसेज मिलते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल मिल जाएगी, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कैसे कैसे आप यूज कर पाएंगे। तो एक्राइब जो मैसेज होंगे सब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्राइब में जाके। उसके अलावा स्पैम एंड ब्लॉक जो आपने कर रखे होंगे उसको यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, मॉल कॉल रीड कर सकते हैं, डिवाइस पेयरिंग मतलब कोई दूसरे डिवाइस पे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। योर डेटा इन मैसेज, मैसेज में कितना आपका डेटा यूजेज है या कितना उसने स्टोरेज रखा है, शायद वही बताएगा आपको यहाँ पर। ये आपको बता देगा कितना इनक्रप्टेड है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देगा। उसके अलावा जो मेन है मैसेज सेटिंग्स में आएंगे तो आपको इसके अंदर भी RCS चैट का सपोर्ट मिलता है। आप इसके अंदर भी RCS चैट्स कर सकते हैं और जिसको मैंने ऑन कर रखा है वाईफाई डेटा और मोबाइल डेटा के साथ आप इसमें कर सकते हैं और इंस्टेंटली डेटा को ट्रांसफर यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये पहले से ही दिया हुआ है और ये आप सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल या कोई से भी मोबाइल पे आप जिसमें RCS सपोर्ट करता है उसके थ्रू आप यहाँ पर इजीली चैट आउट कर सकते हैं। जैसे कि वो ऑनलाइन होगा तो आपको दिखेगा, उसके डबल टेक आपको दिखेंगे, उसने रीड करा है लाइक अ व्हाट्सअप मैसेज, ये यहाँ पर ये काम करता है। उसके अलावा एक फीचर और कमाल का दिया है जो कि है रिमाइंडर वन अवर एक्शन। मतलब कि अगर मान लो कोई मैसेज आपके पास आया है और अगर 1 घंटे तक आपने उस मैसेज को रीड नहीं करा तो वो वापस आपको एक बार और साउंड देगा कि भैया आपका एक मैसेज अनरीड पड़ा है तो आप उसको रीड कर लो। तो ये भी एक कमाल का फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया है। साथ में यहाँ पर आएंगे बबल्स में तो आप इसके बबल्स को देख सकते हैं कि कैसा कैसा बबल्स चाहिए आपको, बबल में मैसेज चाहिए, नॉर्मल चाहिए, जो उनसे भी आपको चाहिए वहां पर आप सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट है ये बबल्स का। उसके अलावा यहाँ पर हेयर आउटगोइंग इनकमिंग मैसेज साउंड, अगर आप नहीं चाहते कि आउटगोइंग और इनकमिंग मैसेज का साउंड आए तो आप यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। पिन टू जूम कन्वर्सेशन टेक्स्ट, आप यूं करके जूम करना चाहें या नहीं करना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं कि आपको करना है या नहीं करना। सो एक्सपेंसिंग एनिमेशन, तो एनिमेशन मिलते हैं आपको इस ऐप के अंदर, अगर इस मैसेज ऐप के अंदर अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई एनिमेशन दिखे तो भी हटा सकते हैं। साथ में इसमें थीम का ऑप्शन दिया गया है, लाइट, डार्क और सिस्टम। अगर आप डार्क कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगी, सिस्टम कर देंगे तो मैं अगर सिस्टम डार्क में चलाऊंगा तो ऑटो डार्क हो जाएगी, अगर मैं लाइट में चलाऊंगा तो ऑटो लाइट हो जाएगी, तो वो यहाँ पर आपको मिला गया है। मैसेज ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऑटो डिलीट OTP आफ्टर 24 आवर्स, अगर आप इसको सिलेक्ट कर देंगे तो जितने भी 24 घंटे के अंदर आपके पास OTP आएंगे सब डिलीट हो जाएगी और आपको बार बार चेक नहीं करना होगा। तो अगर आपको फालतू की OTP ज़्यादा आती है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अननेसेसरी डिलीट करने का टाइम भी यहाँ पर सेव आउट कर पाएंगे। उसके अलावा योर कंट्री जो उसने डिटेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक इंडिया, वॉइस मैसेज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनेबल करके रखना है। साथ में जिमी मैसेज आपको सपोर्ट दिया गया है, जिमी मैसेज का आप इजीली जिमी मैसेज के थ्रू चैट आउट कर सकते हैं इसके अंदर। साथ में सजेशन, जो सजेशन आपको दिए जाएंगे ऐसे सजेशन दिए जाएंगे स्मार्ट रिप्लाई में,
साउंड ग्रेट, थैंक्स, सजेशन, एक्शन, क्रिएट, ये सब चीजें आपको दी जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको सजेशन नहीं चाहिए इस टाइप के तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको ऑटो प्रीव्यू, कोई भी वेब लिंक आता है, मतलब कि कोई किसी ने आपको लिंक भेजा है तो ऑटोमेटिक उसका प्रीव्यू दिख जाएगा आपको उसको मैसेज में। अगर आप वो नहीं चाहते तो या तो उसको ऑफ कर सकते हैं या फिर उसको लॉक भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है शो ऑल प्रीव्यू मैंने ऑफ कर रखा है, शो ओनली वेब लिंक प्रीव्यू उसको भी मैं जाऊँ तो यहाँ पर ऑफ कर दूँ, और अननेसेसरी जो लिंक आते हैं ना यार मैसेज में तो वो ऑफ रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा स्पैम प्रोटेक्शन में ऑन कर रखा है कि कोई भी ऐसा मैसेज आता है जो कि डाउटफुल लगता है या फिर कोई रिस्की मैसेज है तो ऑटोमेटिक आपको वार्म कर देगा पहले से ही कि भाई स्पैम प्रोटेक्शन है तो आप इस मैसेज पे या इस लिंक पे ज़्यादा ध्यान ना दें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्शन दिए गए हैं, स्वाइप राइट करेंगे तो ऐसेज में चले जाएगा, स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो भी ऐसेज में चले जाएगा। तो आप यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर राइट करूं तो डिलीट हो जाए और लेफ्ट करूं तो ऐसेज में चले जाए, ठीक है। उसके एडवांस में आपको यहाँ पर MMS टर्न ऑफ कर रखा है, यूज सिंपल करेक्टर का सपोर्ट है, SMS डिलीवरी रिपोर्ट अगर आप चाहते हैं तो उसको ऑन कर लो, शो आईफोन रिएक्शन एज इमोजीज, तो आईफोन में अगर किसी को मैसेज करते हैं अगर वो रिएक्ट करता है तो उसके मैसेज भी आपको दिखेंगे, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिम कार्ड के कोई मैसेज होंगे तो आपको चेक करना तो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा टैक्स ऑन गैलेक्सी डिवाइसेस उसको भी अलाउड कर सकते हैं, ऑल बिक्सबी एंड टैक्स ऑन गैलेक्सी डिवाइसेस उसको ऑन कर देंगे तो बिक्सबी के थ्रू भी आप इसके अंदर मैसेज कर पाएंगे। यही इसके अंदर कमाल के फीचर है। अब बात करें चैटिंग्स पर जाते हैं, हम एक चैट करके देखते हैं। अब ये नॉर्मल मैसेज वाली स्क्रीन आ गई और अगर मैं यहाँ पर किसी को मैसेज भेजता हूँ हाय, अब यहाँ पर हाय भेजने के साथ मैं यहाँ पर क्या भेज सकता हूँ, इतने सारे फोटोज रिएक्शन है, मेक एन इमेजेस फोटो रिएक्शन, अगर आप RES मैसेज कर रहे हैं तो आप फोटो रिएक्शन सेंड आउट कर पाएंगे, इमेजेस में जाएंगे तो कमाल कमाल के इमेजेस हैं आपके अंदर, इमोजेस दिए गए हैं आप यहाँ पर सेंड आउट कर सकते हैं, GIF सेंड आउट कर सकते हैं, स्टिकर्स हैं स्टिकर्स को सेंड आउट कर सकते हैं एंड मच मोर, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर जाएंगे तो जिमी के सपोर्ट से कोई मैसेज भेजना हो तो उसने आपको बता दिया आप ऐसे मैसेज भेज दो, शेक्सपियर्स के रिलेटेड वो कुछ आपको बता देगा इस तरीके से भेज सकते हैं, प्रेदा को चिल का मूड में है तो चिल, लाइक्स एक्साइटेड है, फॉर्मल है, तो आप जोन जोन से मैसेज जैसे भी चाहेंगे उससे आप यहाँ पर सजेस्ट आउट ले सकते हैं। बहुत शानदार, आपको जो भी लिखना है उस पर लिख दो, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी जो भी कन्वर्टिंग करके मैसेज करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ प्लस में जाएंगे तो गैलरी से इमेजेस, GIF, स्टिकर्स, फाइल्स, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, शेड्यूल सेंड एंड देन सेल्फी GIF। अभी शेड्यूल सेंड का ऑप्शन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट एंड टाइप, देखो जैसे कि हिंदी में कन्वर्ट हो गया, मैंने यहाँ तारीख चेंज कर ली, जैसे 19 को मेरा बर्थडे है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 19 को, ठीक है, मैंने सेट करा 9:30 AM, 9:30 AM, ठीक है, सेट कर दिया, सेंड, हैप्पी बर्थडे सनी, ठीक है, ये मैंने सेट आउट कर दिया। अब इससे रिलेटेड भी कुछ सजेस्ट चाहिए तो इससे रिलेटेड भी आपको सजेस्ट बता देगा कि आप ऐसे हो सकते हैं, आई विल यू जॉयफुल सेलिब्रेशन योर बर्थडे, माय एस्टिमेट फ्रेंड सनी, कंग्रेचुलेशन योर स्पेशल डे सनी, आप जो भी आप इससे रिलेटेड मैसेज भेजना चाहें ऐसे जो भी आप, मतलब आपको सजेस्ट कर देगा आपकी मैसेज की जो भेजने को बहुत ही अच्छे तरीके से कर देगा, जिससे आप मैसेज भेजने वाला आपको बहुत खुश होगा। जैसा कि मैंने ये फालतू का मैसेज यहाँ पर चूज आउट कर लिया है और साथ में कोई फोटो या इमोजीज लगाना चाहूँ तो मैं भी यहाँ पर लगा देता हूँ, ये इमोजी लगा दिए मैंने, ठीक है, अब मैंने ये मैसेज को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब मैसेज ये सामने वाले को तब जाएगा जब वो वहां पर उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि मैंने जो शेड्यूल डाल रखा है ना 19 वाला, उसी टाइम पे वो जाएगा। अब अपडेट मैसेज सेंड नाउ पे भी यहाँ पर क्लिक कर पाएंगे या 3 डॉट्स पे जाएंगे तो इसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो भाई यही कमाल की एप्स थी गूगल मैसेज जो कि सैमसंग गैलेक्सी में आपको मिलता है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू सो मच। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो हमें डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो।